Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikanth Kalinda. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you the most famous theory of positivism, which is given by Auguste Comte. Friends, in previous video lecture, I have discussed with you the theory of law of three stages, which is given by Auguste Comte. तो चलो इस थ्योरी हम देखेंगे. पॉजिटिविज्म इज नथिंग बट ए फिलोसॉफी ऑफ साइंस. देखो फ्रेंड्स, मैंने जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस आपको जो थ्योरी पढ़ाई है, उस थ्योरी का लास्ट स्टेज क्या था? पॉजिटिव स्टेज. ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेज में क्या होता था? बेसिकली पॉजिटिव स्टेज में चीजों को साइंटिफिक वे से देखा जाता था, ना कि सुपरस्टिशियस बेसिस पे या अंधविश्वास के बेसिस पे, या कोई कहेगा कि ये नेचुरल पावर है या गॉड की पावर है तो कुछ लोग उसके ऊपर बिलीव करेंगे. ये थियोलॉजिकल स्टेज था. मेटाफिजिकल में कोई राजा अगर कुछ बोलता है तो जो उसकी प्रजा है वो सुनती थी. लेकिन पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है? तो पॉजिटिव स्टेज में जो भी चीजें हम देखते हैं, जानते हैं, किसी चीजों के बारे में हम सोचते हैं या नॉलेज की खोज हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कौन से बेसिस पर करते हैं? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने उसके लिए एक बेस, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है. तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है पॉजिटिविज्म. ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं पॉजिटिविज्म की जो फिलोसफी है एक साइंस की फिलोसफी है, साइंस के जैसी ही एज इट इज फिलोसफी उन्होंने बताया है पॉजिटिविज्म. इट हैज इट्स रूट्स इन द एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन. साइंस में देखो ये साइंटिस्ट है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद वो नतीजे तक पहुंचते हैं, उसी तरह से ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं कि सोसाइटी में देखो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फैमिली हो या रिलीजन हो या पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, जितने भी ये इंस्टीट्यूशन है इनके बारे में अगर आपको नॉलेज कलेक्ट करना है तो आपको इनके बीच जाना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने यह बताया कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्च ऑफ नॉलेज. इट रिजेक्ट मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन इन फेवर ऑफ पॉजिटिव नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. देखो उन्होंने क्या कहा है कि मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन जो है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां हो या कुछ आर्मचेयर रिसर्चर होते हैं रूम में बैठकर समाज के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये बातें गलत है. अगर आपको समाज के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना है, समाज के बारे में आपको रिसर्च करना है, तो आपको उन बेसिकली जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उनमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा है. नेचर ऑफ पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म क्या है एक्चुअली? पॉजिटिविज्म एज अ डॉक्ट्राइन, पॉजिटिविज्म एज अ वे ऑफ थिंकिंग. पॉजिटिविज्म को ऑगस्ट कॉम्टे कहते कि ये वे ऑफ थिंकिंग है. कैसे है? पॉजिटिविज्म ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे विच रिप्रेजेंट ए फिलोसॉफिकल पोजिशन स्टेट्स दैट नॉलेज कैन बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम सेंसोरी एक्सपीरियंस. देखो ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म को एक फिलोसॉफिकल पोजिशन उन्होंने इसका बताया है कि नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे आता है. वो कहते हैं कि नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली सेंसोरी एक्सपीरियंस, जो आपको दिखता है सेंसोरी, यानी कि जो आपको दिखता है या फील, आप या किसी चीज को आप टच करते हो तो आपको फील होता है, तो सेंसोरी एक्सपीरियंस जो है उसी के बेसिस पर नॉलेज गेन किया जाता है. तो वो आगे जाके कहते हैं कि मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन सब्जेक्टिव और इंट्यूटिव इनसाइट एंड प्योरली लॉजिकल एनालिसिस आर रिजेक्टेड एज आउटसाइड द रियल्म ऑफ ट्रू नॉलेज. देखो ट्रू नॉलेज को उन्होंने कैसे जानना है ये इन्होंने बताया है.
बेसिकली सोशियोलॉजी में, तो इन्होंने कहा है कि मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन जो होते हैं, मनगढ़ंत कहानियां, तो इनके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। सेकंड ये कहते कि सब्जेक्टिव और इंटिट्यूटिव इनसाइट, यानी कि कुछ आदमी को अगर लगता है कि नहीं सोसाइटी ऐसी है या पर्टिकुलर ये कम्युनिटी ऐसी है, तो ये उसका पर्सनल अगर एक्सपीरियंस होता है या पर्सनल ओपिनियन होता है तो उसको नॉलेज नहीं कहा जाता, ऐसा वह कहते हैं। और थर्ड है प्योरली लॉजिकल एनालिसिस, जैसे कि 2+2=4 होता है, तो ये फिजिकल साइंसेस में होता है ठीक है, बट सोशियोलॉजी में ये इतना हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है आगे देखेंगे। द मेथड ऑफ फिजिकल साइंसेस आर रिगार्डेड एज द ओनली एक्यूरेट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज एंड देयरफॉर सोशल साइंसेस शुड बी लिमिटेड टू द यूज ऑफ दीज मेथड्स एंड मॉडल आफ्टर द फिजिकल साइंसेस। देखो उन्होंने आगे जाके कहा है कि जो नेचुरल साइंसेस है, फिजिकल साइंसेस है, जैसे कि बायोलॉजी होगा या आपका केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स होगा या मैथ होगा, तो ये एक्यूरेसी के बेसिस पे चलते हैं, बट सोशल साइंस में उतना एक्यूरेसी आना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, पॉजिटिविज्म एज अ मेथड। पॉजिटिविज्म का मेथड कैसा है? ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं पॉजिटिविज्म इंप्लाइज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखो पॉजिटिविज्म में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, चीजों को साइंस के बेसिस पे देखा जाता है। इट मींस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, दो चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी ऑगस्ट कॉम्टे ने मानी है। कॉम्टे एम्फसाइज्ड दैट सोशियोलॉजी मस्ट डिपेंड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। केयरफुल ऑब्जर्वेशन के ऊपर सोशियोलॉजी डिपेंड होना चाहिए। He also recognized that sociology would have to be less experimental than the physical sciences. जो अभी मैंने बताया है कि physical sciences से less experimental होना चाहिए sociology because of the ethical and practical difficulties intervening in people's life. कुछ ethical और practical difficulties होती है, हर चीज को आप science sociology में नहीं ला सकते। पॉजिटिविज्म डिफाइज ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखो पॉजिटिविज्म किसका रिस्पेक्ट करता है, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन डाटा। बेसिकली दोस्तों ऑगस्ट कॉम्टे से ही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ये यहाँ से ही सोशियोलॉजी में स्टार्ट हुआ है। इसके पहले फिलोसॉफी में मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन होते थे, फिलोसॉफर्स अपने हिसाब से उनको सोसाइटी जैसे लगता था वैसे वो लिखते देखते थे और वैसा लिखते भी थे, उनकी थ्योरीज वैसी भी होती थी। बट ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा कि जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे डाटा का, तो आपको एग्जैक्ट सोसाइटी कैसी है, इंस्टीट्यूशंस कैसे है, उनका पता नहीं चलेगा। देखो और ये सेकंड उसका ऑगस्ट कॉम्टे का थ्योरी है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस। ऑगस्ट कॉम्टे ने साइंसेस का क्लासिफिकेशन किया है, तो साइंसेस का क्लासिफिकेशन वो करते हैं तो दो फैक्ट्स बहुत वो इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्स माना है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशियोलॉजी, हायरार्की दिया है उन्होंने साइंसेस का, तो मैथमेटिक्स से सोशियोलॉजी तक जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। सोशियोलॉजी में अगर आपको कोई डेफिनेशन आप आज लिखेंगे कल उसके ऊपर क्रिटिसाइज होगा, वो गलत भी हो सकती है, इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट मैथ में 10 साल पहले भी अगर किसी ने 2+2 लिखा है तो 4 ही होगा और आज भी 4 होगा और 10 साल बाद भी वो 4 ही होने वाला है। एस्ट्रोनॉमी उनके जो सिद्धांत है होते हैं उसके बेस पर ये चलता है, तो इसका भी रिजल्ट जो होता है वो एग्जैक्ट होता है। फिजिक्स का भी वैसे ही लॉज होते हैं, फिजिक्स के भी इसमें भी एग्जैक्टनेस है, केमिस्ट्री का भी वैसा है। तो जितना इस साइंसेस में जितना मैथ्स का एक्यूरेसी है, केमिस्ट्री का भी बहुत बार बदल जाता है, बायोलॉजी का भी चेंज होता है, तो मैथ्स का जितना एक्यूरेसी है उतना किसी का नहीं है।
तो हमेशा अगस्त कॉम्स्की भी बहुत बार कहते थे कि हर अगर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसे फुलफिल होने के लिए मैथ बहुत जरूरी है, विदाउट मैथ कोई भी सब्जेक्ट 100% फुलफिल नहीं हो सकता, ऐसा खुद अगस्त कॉम्स्की मानते थे। तो क्या होता है इधर से डिक्रीजिंग जनरलिटी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जनरलिटी कम हो जाता है और क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा अगस्त कॉम्स्की के हायरार्की में सबसे लोअर रंग क्या था, तो आप ये लिख सकते हैं सबसे लोअर साइड में मैथमेटिक्स था, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।